व्यूअर्स कैसे हो। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से इसको सोल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। पहले हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए, जैसे कि ये हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहां से किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, या तो एक्स को या फिर वाई को। और एलिमिनेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए किसी वेरिएबल को, हमें उसको कोफिशियंट को इक्वल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और इस इक्वेशन में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इसके कोफिशियंट 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो हम किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इक्वल, देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है, हम इसमें वाई को इक्वल करते हैं। कैसे करेंगे वाई को, यहाँ पे माइनस 3y है और यहाँ पे ओनली वाई है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय थ्री। अगर मैं इक्वेशन वन में थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। इक्वेशन वन में अगर थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वेशन मेरी हो जाएगी 3x प्लस 3y। देखो थ्री से मल्टीप्लाई की 3x प्लस 3y, और थ्री की फिर फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 5 15 इज इक्वल टू में 15। ये मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन में आपका जो वाई कोफिशियंट है, ये वाई जो है ये इक्वल हो चुका है। देखिए यहाँ पे 3y है और यहाँ पे भी 3y है, दोनों में हमारे जो कोफिशियंट है वो इक्वल हो चुके हैं वाई के। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है कि हमें चेक करना है जो हमने इक्वल बनाए हैं उनके साइन सेम है या अपोजिट साइन है। यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का है और यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस का है। यानी कि कैसे हैं, डिफरेंट साइन है दोनों। और अगर इक्वेशन में डिफरेंट साइन होंगे, अलग अलग साइन होंगे, तब उन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड कर देना है, और अगर सेम साइन हुए तो माइनस करना है। याद रखना, अगर साइन आपके डिफरेंट है तब इक्वेशन को प्लस करना है, और अपोजिट साइन है, अलग अलग साइन है, तो इक्वेशन को माइनस करना है। यहाँ पर डिफरेंट साइन होने पर हमें इसको प्लस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट ही साइन है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन टू को और थ्री को ऐड कर देना है। इक्वेशन टू को और थ्री को ऐड कर देना है। करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री। इक्वेशन टू हमारी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन थ्री है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। हम दोनों तो इक्वेशन को ऐड करेंगे, 2 को और 3 को, तब 3y प्लस है और 3y माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19। x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आई, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इक्वेशन वन में या टू में। अब यहां पर लिखेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू इन इक्वेशन वन। x की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन वन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। So, x की वैल्यू है 19 अपॉन 5, x के प्लेस पर हम 19 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 माइनस 19 अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 19 अपॉन 5। y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 25 में से 9 माइनस करेंगे, सो 6 अपॉन 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा y का 6 अपॉन 5। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से दोनों के आंसर आ गए हैं, एक्स की वैल्यू 19 अपॉन 5 और वाई की वैल्यू 6 अपॉन 5। अब इसी इक्वेशन को हमें सोल्व करना है किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे,
उसके लिए पहले हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। अगेन से इक्वेशन है हमारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, और दूसरी इक्वेशन है हमारी टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। ये हमारी इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू। अब हम इसको बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे बाय इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वेरिएबल में लाना है। बाय इक्वेशन वन से हम एक्स की वैल्यू को वाई के वेरिएबल में ले आएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे फाइव, और ये जो प्लस वाई है इसके इधर आके माइनस का वाई हो जाएगा। तो ये इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन थर्ड। ये जो हमारी इक्वेशन थर्ड है इससे वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन टू। ये जो हमारी एक्स की वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन टू में पुट करेंगे। इक्वेशन टू है हमारी टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। यहाँ से हम टू इन टू, देखो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स की वैल्यू है हमारी फाइव माइनस वाई, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है ये एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे फाइव माइनस वाई, और फिर माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। यहाँ से हम टू की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट के, सो टू फाइव चार टेन, और टू की मल्टीप्लाई वाई से तो माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर। अब यहां से हमारा थ्री वाई और टू वाई माइनस थ्री वाई और माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू फोर, और ये जो हमारा टेन प्लस है इक्वल टू से इधर आएगा, ये माइनस का टेन हो जाएगा। तो माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू टेन माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस सिक्स, तो y इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन फाइव। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो y की वैल्यू हमारी आ गई सिक्स अपॉन फाइव। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी y की वैल्यू आई है इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो पुट y इज इक्वल टू सिक्स अपॉन फाइव इन इक्वेशन इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू सिक्स अपॉन फाइव पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स अपॉन फाइव। x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा फाइव आएगा, फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स, x इज इक्वल टू नाइनटीन अपॉन फाइव। तो हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आंसर आएंगे जो कि हमारे एलिमिनेशन से आए थे, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। देखिए x की वैल्यू 19 अपॉन 5 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 19 अपॉन 5, y की वैल्यू 6 अपॉन 5, यहाँ पे y की वैल्यू 6 अपॉन 5। तो आप किसी भी मेथड से करिए, आंसर आपका हमेशा सेम।